हमीरपुर डिग्री कॉलेज में नया सत्र शुरू होते ही एबीवीपी और एसएफआई संगठन में मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। मारपीट की घटनाओं के चलते प्रिंसिपल ने 10 छात्रों को 15 जुलाई तक कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है और कॉलेज में किसी भी प्रकार की बैग लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में नया सत्र शुरू होते ही एबीवीपी और एसएफआई संगठन में मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। मारपीट की घटनाओं के चलते ही प्रिंसिपल ने 10 छात्रों को 15 जुलाई तक कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है और कॉलेज में किसी भी प्रकार के बैग लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रिंसिपल हरदीप सिंह जम्बाल के अनुसार मारपीट की घटनाओं में शामिल 10 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है ताकि कॉलेज का माहौल खराब ना हो। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में हमीरपुर कॉलेज में एक दर्जन के करीब मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कुछ घटनाओं में तो युवाओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। इन मारपीट की घटनाओं में शामिल एबीवीपी और एसएफआई के छात्रों में आपसी रंजिश के चलते लड़ाई हो रही है। लड़ाई झगड़ों में रोजाना कॉलेज परिसर में पुलिस का पहरा लगाया गया है ताकि अप्रिय घटना न घट सके। कॉलेज में छात्र संगठनों के द्वारा रोज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे कॉलेज का पूरा माहौल खराब हो गया है। कॉलेज प्रिंसिपल हरदीप सिंह जम्बाल ने बताया कि कॉलेज में छात्रों में बढ़ रही मारपीट की घटनाओं के चलते ही कॉलेज में बैग लाने के लिए प्रतिबंध किया है। उन्होंने बताया कि मारपीट की घटना में शामिल 10 छात्रों को 15 जुलाई तक कॉलेज से सस्पेंड किया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में पुलिस के पहरा लगाया गया है ताकि बाहरी शरारती तत्व कॉलेज में न घुस सके। क्योंकि ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में क्लैश हुआ था, तो उसके तहत हमें पता है कि कई बार ये बच्चे रिटेलिएट करते हैं नेक्स्ट डे। तो सुबह से ही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के मैं कॉन्टैक्ट में था और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी पुलिस फोर्स यहाँ भेजी थी। मैं खुद भी यहाँ प्रेजेंट था और मेरे स्टाफ के मेम्बर्स भी राउंड ले रहे हैं। जो पीछे 10 नाम आए हैं वो हमें ही नहीं पता कौन किस ऑर्गेनाइजेशन से है। हमें तो ये लगा कि जो भी प्रेजेंट था उस वक्त मौके पर उनके नाम दिए हैं। हाँ, बाद में पता लगा कि दो उनमें अब वो बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं, तो जो और हैं उनको हमने सस्पेंड किया 10 दिन के लिए और उनको 15 तारीख तक सस्पेंड रखेंगे। वो उनकी एंट्री बैन है कॉलेज में, अपने पेरेंट्स लाएंगे 13 और 15 के बीच में। अगर हमें लगा कि इनकी एक्सप्लेनेशन अगर ठीक है तो हम उनकी सस्पेंशन रिवोक करेंगे मेरिट बेस पर, लेकिन वो देखेंगे कि जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके ऊपर क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो भविष्य में हम इसको देखेंगे। इनके बारे में क्योंकि बहुत लार्ज स्ट्रेंथ है तो स्टैंप्स लगनी है, वहाँ दो दो कागज़ पर स्टैंप लगती है प्रिंसिपल की उसमें लाइब्रेरी में। तो मैं बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी जल्दी वो अपने जो आइडेंटिटी कार्ड हैं जो गले में लटकाते हैं वो बनाएं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो चेक करने में मदद हो। तो 2-4 दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और सिक्योरिटी फोर्सेज को मैंने कहा कि हर एक की चेकिंग होगी। हो सकता है कि हमारे अपने ही बच्चे हों आउटसाइडर और अपने बच्चों का भी तो पता नहीं लगे जब तक ये कार्ड नहीं बनते, पर चेकिंग होगी। अपने बैग्स उस तरह से बड़े बैग ना लाएँ, छोटे बैग लाएँ तो अच्छा रहेगा, वो सिक्योरिटी के लिए मदद करता है। वहीं एबीवीपी के पदाधिकारी ने बताया कि एसएफआई के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों के साथ मारपीट की है, जिसमें कुछ छात्रों को गहरी चोटें लगी हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि एसएफआई कार्यकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एसएफआई के पदाधिकारियों ने एबीवीपी पर एसएफआई की छात्रा को तंग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई दिनों से एबीवीपी के कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं, जिस कारण कॉलेज का माहौल खराब बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रिंसिपल को भी बताया गया है। उन्होंने कहा कि अगर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई ना हुई तो एसएफआई धरना प्रदर्शन करती रहेगी। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।